छोटे होते से हमेशा हमें बताया गया है कि हैप्पी फैमिली का मतलब है कि माँ बाप भाई बहन सब इकट्ठे रह रहे हैं, बट दिस इज नॉट रियल फॉर मी. सो हमें हमेशा बताया जाता है बड़े होते हुए कि द फादर्स आर द मैन ऑफ द हाउस एंड सिर्फ वो पैसे कमाएंगे बाहर जाके, वो जॉब करेंगे और वो पूरे ख़ानदान का ध्यान रखेंगे. लेकिन ये मैंने अब रियलाइज़ किया है कि माय मॉम इज़ अ टीचर, शी वर्क्स रियली हार्ड. और जब माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मदर अकेले 3 बच्चों का ध्यान रखे, तो मैं आई मेड श्योर कि मैं मेहनत करूं एंड मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि मुझे स्कॉलरशिप मिले. तो नाउ दैट आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर, आई मैनेज टू स्कोर अ स्कॉलरशिप ताकि ये फाइनेंशियल प्रेशर मेरी अम्मी पे ना आए. एंड उसके अलावा मैं ये नहीं चाहती थी कि उन पे इतना बर्डन हो कि वो सबका ध्यान रखें, सबके लिए पैसे भी दें. तो आई वर्क इन 2 डिफरेंट प्लेसेस व्हाइल आई स्टडी ताकि मैं अपना ध्यान खुद रख सकूं एंड आई कैन कंट्रीब्यूट टू द फैमिली एज वेल. डाइवोर्स इतना बड़ा टैबू बना दिया गया है कि आप ये नहीं रियलाइज करते कि किसी की खुशी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड फॉर देम. आप ये नहीं कह सकते कि कोई औरत है तो अगर उसने डाइवोर्स लेना है वो खुश नहीं है शादी में, तो उसको कोई बुरी औरत का नाम नहीं दिया जा सकता. वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट कि माय मॉम ऑन हर ओन आई हैव सीन अ डिफरेंस कि वो पहले कितनी खुश थी और अब कितनी खुश हैं. अब हर बंदे पे डिपेंड करता है, आप किसी पे इस तरह उन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते.